और अब देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। समाजवादी चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जन्म वर्ष 1910 में आज ही के दिन हुआ था। वो सिर्फ 10 वर्ष की उम्र में ही महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित हो गए थे। राम मनोहर लोहिया चाहते थे कि दुनिया भर के समाजवादी एकजुट होकर मजबूत मंच बनाए। उन्होंने किसानों के लिए हिंद किसान पंचायत की स्थापना की थी और वर्ष 1951 में जनवाणी दिवस की शुरुआत भी की थी, जिसमें सभी सांसद आम लोगों की शिकायतों का निवारण करते थे। दुनिया के पहले मॉड्यूलर स्पेस स्टेशन मीर को वर्ष 2001 में आज ही के दिन ध्वस्त किया गया था। मीर एक रशियन स्पेस स्टेशन था जो वर्ष 1986 से 2001 तक अंतरिक्ष में सक्रिय रहा। मीर को 1986 से 1996 के बीच अंतरिक्ष में ही असेंबल किया गया था और मीर स्पेस स्टेशन अपने आप में माइक्रोग्रेविटी की एक प्रयोगशाला था जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिक शोध करते थे। वर्ष 1903 में आज ही के दिन राइट ब्रदर्स ने पहले सफल हवाई जहाज के पेटेंट के लिए आवेदन किया था। ये पेटेंट राइट ब्रदर्स ने खुद लिखा था लेकिन इसे खारिज कर दिया गया था। 1904 में उन्होंने अमेरिका के ओहियो पेटेंट अटॉर्नी से दोबारा पेटेंट का आवेदन लिखवाया, जिसके बाद 22 मई 1906 को उन्हें फ्लाइंग मशीन का पेटेंट मिला था। और वर्ष 1910 में आज ही के दिन मशहूर जापानीज फिल्म डायरेक्टर अकीरा कुरोसावा का जन्म हुआ था। कुरोसावा ने अपने 57 वर्ष के करियर में 30 फिल्मों का निर्देशन किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने 80 वर्ष की उम्र में भी ड्रीम्स नाम की फिल्म बनाई और कहा जाता है कि कुरोसावा को जो सपने आते थे, ये फिल्म उन्हीं सपनों पर आधारित थी।